श्री चिराग पासवान जी जो आज जा रहे हैं बिहारियों के मजदूरों पर जो अत्याचार हो रहा है साउथ में उसको देखने, तो इस पर लोगों का सीना क्यों फट रहा है, दर्द क्यों हो रहा है? तो यहाँ लोगों के सीने में दर्द हो रहा है, झूठ बोलने की जो प्रवृत्ति है उसका पर्दाफाश होने जा रहा है। ये गरीबों के नाम पर आने वाले, गरीबों को शोषण करने वाले लोग हैं। लोक जनशक्ति राम विलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान आज तमिलनाडु जा रहे हैं और इसको देखते हुए महागठबंधन के नेताओं का सीना फट रहा है, सीने में दर्द हो रहा है। आखिरकार क्यों दर्द हो रहा है, इसको लेकर सवाल खड़ा किया जा रहा है। बता दें आपको कि भाजपा के प्रवक्ता अरविंद सिंह, आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशफेल रस, ये एक ही बॉटल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, एबिसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल, एशफेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। उन्होंने एक वीडियो जारी किया जिसमें अरविंद सिंह ने साफ कहा है कि महागठबंधन के नेताओं का सीना फट रहा है, सीने में दर्द हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, लगातार अरविंद सिंह सवाल खड़ा कर रहे हैं। अरविंद सिंह का यह साफ कहना है कि तमिलनाडु में लगातार मजदूरों को पीटा जा रहा है, बिहारी मजदूर परेशान है, तो वहीं बिहार सरकार इसको लेकर कुछ नहीं कर रही है। जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा में तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों को लेकर बातें कही थी, इसको लेकर अरविंद सिंह ने जमकर हमला बुलाया, तो वहीं अरविंद सिंह ने यह साफ कहा है कि अगर चिराग पासवान तमिलनाडु जा रहे हैं तो उससे बिहार सरकार की पोल खुल जाएगी। तो वहीं क्या कुछ कह रहे अरविंद सिंह चिराग पासवान के तमिलनाडु जाने को लेकर, वो सुने आप लोग। श्री चिराग पासवान जी जो आज जा रहे हैं बिहारियों के मजदूरों पर जो अत्याचार हो रहा है साउथ में उसको देखने, तो इस पर लोगों का सीना क्यों फट रहा है, दर्द क्यों हो रहा है? ये तो खुशी की बात है कि सच्चाई को जानने जा रहे हैं और वहां राज्यपाल से मिल करके और स्थिति को अवगत जानकारी लेंगे और वो उस पर उनकी सुरक्षा की बात करेंगे। तो यहाँ लोगों के सीने में दर्द हो रहा है, झूठ बोलने की जो प्रवृत्ति है उसका पर्दाफाश होने जा रहा है। भाजपा को जो विधानसभा में पानी पी पी करके जो कोस रहे थे उसका पर्दाफाश हो जाएगा कि ये गरीबों के नाम पर आने वाले, गरीबों को शोषण करने वाले लोग हैं और झूठ बोलने वाले लोग हैं, सत्ता में मदांध लोग हैं। ये कानूनी कार्रवाई जो है निरीह लोगों पर करते हैं, संवेदना से मरे हुए लोग हैं। तो आपने सुन लिया, भाजपा के प्रवक्ता अरविंद सिंह थे। अरविंद सिंह का यह साफ कहना है कि महागठबंधन के नेताओं का सीना फट रहा है क्योंकि चिराग पासवान तमिलनाडु जा रहे हैं। चिराग पासवान तमिलनाडु के राज्यपाल से मिलेंगे तो वहीं ज्ञापन सौंपेंगे, जिसके बाद चिराग पासवान तमाम बिहारी मजदूर जिस तरीके से तमिलनाडु में फंसे उनसे मुलाकात करेंगे। लोक जनशक्ति राम विलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान हमेशा बिहारियों को लेकर कहीं ना कहीं बात करते हैं, तो वहीं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं। इसको देखते हुए चिराग पासवान आज तमिलनाडु जा रहे हैं, जिस तरीके से बिहारी मजदूर फंसे हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे, जिसके बाद तमिलनाडु के राज्यपाल से भी मुलाकात कर विज्ञापन सौंपेंगे चिराग पासवान। और अरविंद सिंह ने साफ कहा है कि महागठबंधन के नेताओं का सीना फट रहा है, सीने में दर्द हो रहा है और कहीं ना कहीं यह डर है महागठबंधन के नेताओं को, इसलिए इस तरीके का चिराग पासवान को लेकर बयान दे रहे हैं। देखा जाए तो पोल पूरे तरीके से महागठबंधन की सरकार का खुल जाएगा चिराग पासवान जिस तरीके से तमिलनाडु जा रहे हैं। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।